हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ई पैन कार्ड आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी दोस्तों फ्री में। आपको कोई पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अपने लैपटॉप से, अपने स्मार्टफोन से। ज़्यादातर ये स्मार्टफोन से बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन लैपटॉप में कोई डाउनलोड करने में, उसका ऑप्शन खोजने में प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे अरु टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल स्क्रीन पर आ जाना। जैसे आपने गूगल पर सर्च कर लेना ई फिलिंग, तो चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। हालांकि फ्रेंड, फिर इसको आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है इसको करने के लिए डाउनलोड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे होम पेज चले जाना है। तो फिर ऐसा है, आप लोग होम पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक योर पैन कार्ड, मतलब आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इनसेट ई पैन कार्ड का ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हालांकि फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने खुलकर आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक स्टेटस डाउनलोड पैन कार्ड, यहाँ से आप कंटिन्यू करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको मिल जाएगा दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड से लिंक होगा पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। चलिए हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं, इसको डालने के बाद कर देना है कंटिन्यू पे। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोग यहां से वही पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो आप लोगों ने ई पैन कार्ड ई फिलिंग से आपने पैन कार्ड अप्लाई किया होगा ऑनलाइन, और ओटीपी आधार से, मतलब आपने जो अप्लाई किया होगा वही पैन कार्ड आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां मेरा, मैंने सीएससी से पैन कार्ड अप्लाई किया था, वो यहां पे मेरा कंटिन्यू डाउनलोड हो नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि नो रिक्वेस्टेड आर बी रिसीविंग नीज आधार कार्ड टू अलाउटेड योर अपडेट पैन कार्ड यूजिंग। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोग यहां से वही पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने यहां से अप्लाई किया ओटीपी के द्वारा। तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों, ये मेरा एक फ्रेंड यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई किया था, तो उसका हम पैन कार्ड आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो जैसा है दोस्तों, उसका फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है, बस आपको चेक करके हम एक बार दिखा देते हैं। जैसा कि उसको मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया और यहाँ से कर देते हैं कंटिन्यू। ऐसे दोस्तों कंटिन्यू किए हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चेक योर फोन नंबर पे सेंड ओटीपी गया होगा 6 डिजिट का। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे ओटीपी इसको डालेंगे तो यहाँ पे चेक एंड स्टेटस डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला स्टेप कंफर्म हो गया है, यहाँ पे दूसरा फाइनल में आप ओटीपी डालेंगे और कंफर्म कंटिन्यू करेंगे तो आपके यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।